बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं मीडिया वाले वीरां नूं बेनती करता थोड़ा जा जद तक कुर्सियां हैगियां बह जाओ ताकि पिछले नज़र जड़े ने उन्हां आवे सब कुछ। सब तो पहला करतारपुर की इस धरती ते इनकलाबी धरती ते अज दूरों दूरों चल के पंजाब दे भले लई पंजाब नू दोबारा रंगला पंजाब देखण लई उम्मीद की किरण लैके आए हुए सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे थोड़ा सारा का धन्यवाद। मेरी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। स्टेज ते शोभित ने साड़ी पार्टी दे MLA साहबान साडे हुशियारपुर तो जिंपा साहब जिहड़े मंत्री ने माल मंत्री ने साडे शहर तो MLA साडे नकोदर तो MLA साडे तुहाडे अपने बहुत ही मेहनती जिन्हां नूं हल्के बारे पिंडां दा नहीं गली गली दा भी नहीं घर घर दा पता है। बलकार सिंह जी तुहाडे अपने MLA जिहड़े ने ओह जिन्हां दे बहुत मेहनत कीती है इत्थे रैली रखण दी और इन्हां ने कहा सी मैनूं कहा सी कि मान साहब बस एक काम कर दिओ ते साडा जलंधर दा काम जिहड़ा है ओह ठीक हो जूगा। रैली जदों शुरू करोंगे रैलियां दा काम जलंधर दे विचों करतारपुर तो शुरू कर दिओ। मैं कहा ठीक है जी इत्थों ही शुरू करांगे जी। और सब तो वध खुशी की गल यह कि अज साडे दरम्यान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बैकग्राउंड जिन्होंने दादियां तो वो राजनीति दे विच ते समाजिक सेवा दे विच लगे हुए और साडे लई एक्सपीरियंस ने साडे तो बड़े ने बड़े भरा सुरेंद्र चौधरी जी उन्होंने भी मैनू अज ये गल कही है कि मान साहब मैं वलंटियर बन के आ रहा मेरा नाम पहला ना बोलियो मेरे तो जो तुम शामिल कराना है उदों शामिल करा रहो मेरी वलंटियर की लिस्ट च मेरा नाम लिख लो। एक बार जोरदार ताड़ियाँ उन्होंने ना दे। वो कहने जी मैं ता सेवा करनी है जिथे मर्जी ड्यूटी ला दो। असी कह जी थोड़े तजर्बे की लोड़ पेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी है। असी दरवाजे बंद नहीं करते भी बस होर नहीं ना हजे करोड़ों बंदिया ने होर आना है। इस पार्टी ने पूरे मुल्क दे विच फैलना है। हजे तो सिर्फ दो राज्यां दे विच जिहड़ी है सरकार है गुजरात दे विच 5 MLA ने गोवा च 2 MLA ने 10 राज्यसभा दे मैंबर ने हजे तो 130 करोड़ लोगों दे विच जाना है क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पर भी ताज होता है। सो वीरो अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च यह पार्टी जिहड़ी है यह हरेक नूं मौका देगी। कई बार टाइम लग जाता है कई बार वक्त थोड़ा जा लेट हो जाता है पर मैं तुहानूं मेरे वलंटियर वीर बैठे ने भवक्कड़ कहना जिन्हां नूं मैं तुहानूं यह यकीन दवाना कि तुहाडा जिहड़ा पेट्रोल का एक एक तुपका तुसीं पल्लों पवा के जिहड़े मेरे रैलियां ते मेरे रोड शोआं दे मूहरे गड्डियां मोटरसाइकिल लैके जाते एक एक तुपके का मुल मुड़ूगा। तुसीं थोड़ा जिहा मैनूं टाइम दे दिओ बस थोड़ा जिहा क्योंकि क्योंकि आम घर चो उठा के असी मुंडे कुड़ियां MLA बनाए तुसीं बनाए असी तो खड़े किए उन्होंने टिकटां दित्तियां ते तुहाडे चो होर बहुत सारे चेयरमैन तुहाडे च होर बहुत सारे कमिश्नर दे मैंबर तुहाडे च होर बहुत सारे बड़े बड़े रोजगार जिन्हें जिन्होंने मिलने वो तुहाडे च बैठे ने। मैं ब्यौंता बनाई जाना तवीत बनाई जाना बस डौले दे दिओ तवीत डौलियां ते बनने ने ते आपां पंजाब नूं दोबारे रंगला बनाउणा ही बनाउणा बस। सो अज साडे दरम्यान चुनौतियां बेरोजगारी ते आ तुसीं देख लो तुसीं मेरे बजुर्ग बैठे ने मेरे पिता जी की उम्र दे मेरे दादा जी की उम्र दे कदे पहला कोई यह जी सरकार देखी है
जिहड़ी एक साल दे विच 28,000 नौकरियां दे के तुहाडे सामने खड़ी होवे, आ खड़े हां जी तुहाडे सामने 28,000 28,042 नौकरियां मेरे ऐ नौहां ते पईआं ने जी, कच्चिआं नूं पक्के, कच्चे मुलाजम। ये कच्चा लफज जिहड़ा है ये मुलाजमां दे मूहरे मैं रहण नहीं देना। सानू कई बार हाई कोर्ट दियां जां होर किसी कोर्ट दियां थोड़ी जिहियां दिक्कतां दा सामना करना पैंदा, वो रस्ते क्लीयर कर लिए। जिन्हें भी कच्चे मुलाजम ने कॉन्ट्रैक्ट वाले ने असीं उन्होंने पक्के करांगे, साडा काम है, ये साडा काम है। असी सारा कुछ देख रहे हैं कि किमें काम होगा। बिजली पिछली बार जो 16 मार्च को सरकार बनी, पिछली बार तुम झोना लाया 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या, तो झोना आया मंडी च 24 घंटे तो बाद टाइम लग्या मंडी च, आही मंडी च खड़े हाँ नहीं लग्या, पैसे भी नाल दी नाल मिल गए। तो उस तो बाद आपा क्या सी गरंटियां दिंदे सी अरविंद केजरीवाल जी नाल आए सी जदों कि थोड़े घर की बिजली मुफ्त कर देंगे, जीरो बिल आया करूँ, तो की कहिंदे सी कांग्रेस ते अकाली वाले पैसे कित्थों आउणगे, असी उन्होंने दस्या नहीं जान के, क्योंकि सानू पता सी पैसे इन्हां च ही पए ने, इन्हां चों कढ़ांगे। सो उन्हां चों पैसे कढ़े है ते 80% घरां नू बिजली दा बिल जीरो आउंदा है, आउंदा ना बस। फिर तो बिजली बोर्ड का यह भी नहीं है, बिजली बोर्ड नू असी घाटे च छड के ते कोई इहो जिहा काम कर दिए। बिजली बोर्ड का 20,200 करोड़ रुपया जिन्ना भी सबसिडी का एक साल का देना सी, पहली बार होया पंजाब दे इतिहास च, असी पैसे सारे देते भाजी। वो इस बार कट की गल तो छड्डो, बल्लभ ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का लै करो सुखबीर बादल नूं पुछ के देखो चमक्का की हुंदा, पता ही नहीं उन्हूं, पता ही नहीं उन्हां नूं, उन्हूं पता ही नहीं, कदे रहे होण लोकां च तां पता लग गए। सो वीरो ये रोज मेरे बारे बोलते हैं, रोज मैनू गालां कढ़दे है विरोधी पार्टी वाले, मैनू उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, मैनू उहदे नाल कोई जिन्ना चिर तुसीं मेरे नाल हो मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। वीरो ये मैनू गालां कढ़ के इहनां नूं इह नहीं हैगा कि आम आदमी पार्टी क्यों बन गई जां साडी वारी नहीं आई असीं हार गए, इहनां नूं दुख इस गल दा है कि आम घरां दे मुंडे साडे वालियां कुर्सियां ते क्यों बह गए, बस आम घरां दे धीआं पुत्त नहीं जर सकदे, आही पंगा बस। हारे होए भी बोली जांदे आ भी तुसीं भरावो हार गए, हजे तक साल हो गया इन्हां नूं सुरत नहीं आई भी की हो गया रिजल्ट, कईआं नूं तां हजे रिजल्ट दस्से भी नहीं होणे घरदिआं ने कि कितें दिल नूं ना ला जाए, है ना। सो आ हाल है भाई, आ एक बड़ा झंडा जिहड़ा ना आ जिहड़ा झंडा भाई जी, हाँ हाँ थोड़ा तो हाँ वह पिछे दिखता नहीं, हाँ। सो वीरो थोड़े नाल थोड़े वर्गे हाँ, एक साल च बिजली फ्री की 28,000 नौकरियां दित्तियां, 504 महला क्लीनिक चल पे जिन्हां दे विच 21,21,350 बंदे 31 मार्च 2023 तक दवाई लैके ठीक होके घरें जा चुके ने, 21,21,000 इहदा मतलब 21 लाख बंदा सरकारी हस्पतालां दी लाइन च लग्या नहीं, तो उत्थे भी नहीं भीड़ हुई, उत्थे वाले डाक्टरां ने भी जिहड़े उत्थे पहुंचे उन्हां दा इलाज सही कीता, तो इधर भी उन्हां दा मुफ्त दे विच सर गया। ये होंदे ने कम जे करने होण, जे नीतां सच्चियां होण। फिर उस तो बाद हुण परमात्मा की मार है, कुदरत की मार है, गड़े पै गए, मीह नाल फसल खराब हो गई, बेमौसमी बरसात पै गई, दाने जमा पक्के हुए सी, मैं देख के आया खेतों च वीरो 26-27 मार्च की गल है, ये मैं उत्थे गया सी खेतों च मालवे के पिंडां च, पर नुकसान सारे पंजाब च है। मैं उत्थे अनाउंस किया सी कि मलम उदों ही चंगी लगती है जदों जख्म होवे, जदों जख्म च कीड़े पै जाण उस तों बाद की पट्टियां करोंगे। 20 दिनों के बिच मैं कहा 15,000 रुपया किले का, जिहदी सारी फसल खराब हो गई 15,000 रुपया किले हिसाब नाल 20 दिनों च जिहड़े पैसे मिलणगे। 13 अप्रैल अबोर के नेड़े किसी पिंड दे विच रख्या प्रोग्राम, 13 अप्रैल 15,000 रुपया चैक मैं आप फड़ा के आऊँगा भाजी, सारे पंजाब के लोगों के पैसे, थोड़े भी बहुत सारे ने,
थोड़े खात्यां च पैसे आउण लग जाणगे 13 अप्रैल तो। यह पहली बार होया पैसे अगे चल रहे ने गुरदौरियां पिछे चल रही ने। असी क्या गुरदौरी बाद च दस दिओ पहिलां पैसे दे लिए क्योंकि सानू पता नुकसान हो गया नुकसान हो गया। सो असी पहली बार 12 तो 15 किया ते जिहड़ा 33% तो 75% है वह 5400 तो 6800 किया। और नाल सब तो वड्डी गल इह है घर जे ढह गया किसी का कच्चा कोठा ढह गया कोई माड़ा घर सीगा इट्टां जिहड़ियां पुराणा सी ढह गया 1,20,000 रुपया एक घर की छत पाउण दा वीरो ते नाले जिहड़ा भी सब्जियां दा दालां दा जां किहड़ी भी फसल बीजी हुई सी नुकसान होया असीं स्पैशल गुरदौरी इसे करके करवाई है कि कोई कल्ली खास फसल का नहीं असी हरेक चीज़ का जो नुकसान हो गया सरकारां कोले वीरो इन्हां कम्मां वास्ते बथेरे पैसे होंदे ने कोई खजाने च घाट नहीं हैगी बस यही है नीत की घाट होंदी है इन्हां दी साडी नीत साफ है असीं तुहानूं पैसे तुहाडे कोले पहुँच जाणगे 13 अप्रैल तो बाद पहुँचण लग जाणगे। पहली बार होया कि वह फसल जिहड़ी फसल दे तुहानूं पैसे देवांगे वह फसल भी हजे खेतां च ही है ते पैसे पहलां मिल गए। बई मलम तां उदों चंगी लगदी है ना जो जख्म होवे। सो इस करके ये कुदरती मार है कोई ना किसान दे कोई वस च है ना साढ़े वस च है पर यहोजे कम्मां च सरकार नूं अगे आना चाहिए है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हां दा हैल्प करा। फिर उस तो बाद कई गरंटियां तो असीं इहोजीआं पूरी करतियां जिहड़ियां कईआं भी नहीं सी। MLA लैंदे सी पैनशन 6-6, 7-7 पैनशन असीं कहा गल सुन लो जो वोटा मंगन जाने हो तो ऐ कहने हो राज नहीं सेवा तो सेवा की पेंशन लेने हो कोई पेंशन नहीं मिलेगी एक पेंशन लेनी है लो नहीं ये तो भी जाओगे एक पेंशन जो रहूगी होर कोई पेंशन नहीं मिलेगी इन्ना इन्ने करोड़ रुपया जोड़ा बचेगा उ मैं किसी बेरोजगार को रोजगार देकर वो तनखा देगा वीरो मुंडिया की तनखा देवे उन्होंने आ होंगे जी काम बड़ा पिटे ये ना जी पेंशन ना ना करो मैं क्यों ना करो की गल जी तो तुम सरकारी जिहड़ियां गड्डियां सरकारी तुसी बिजलियां वरतते रहे हो वह भी तो पेंशन भी इन एक दो तीन जिनी बारी MLA रह ले उन्नी बारी पेंशन। सो वीरो बदनाम करने की कोशिश करते आम आदमी पार्टियां सरकार नहीं चलाउणी आउंदी जी आ नहीं आउंदा जी। एक मैनू कहिंदा कहिंदा जी तजर्बे की घाट है। मैं क्या लोग दुखी हुए तजर्बेकारां तों ने जिहड़े तुसी तजर्बे कर गए साडे ते भाजी 9063 एकड़ जंगलात महकमा ते पंचायत दी 9063 एकड़ जमीन अपने छड़ा ली नजायज कब्जे चो जिहड़े बड़े बड़े दब्बी बैठे सी बड़े बड़े दब्बी हजे आने वाले दिनों देखियो बुलडोजर किधर किधर नूं जाऊगा। जदों पहाड़ां वल नूं मूंह कीता ना उदों तुहानूं सुकून मिलू देखियो सही तुसीं असी बनाई जाने कागज सारे तैयार ने जो लोगों के पैसे नूं लुट के इन्होंने प्रॉपर्टियां बनाईया ने सारिया प्रॉपर्टियां का हिसाब होगा तो पैसा कला कला खजाने जाऊगा खजाने चो थोड़े जवाकों की पढ़ाई वास्ते थोड़े बजुर्गों की दवाई वास्ते थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े सड़क मंडिया वास्ते थोड़े को ही आऊगा वो पैसा थोड़े को ही आऊगा। असी कोई पल्यों नहीं पाते कोई सान नहीं करते कह के ये साडा फर्ज बनता है। पहला आलिया सरकार ने किया नहीं पहला आलिया सरकार ने किया नहीं की करते रहे इधरों खा लो इधर मेरे को फाइल आंदियां रोज कल्ले खाण दी फाइलों ने बस इधरों खा लो लोगों लुट लुट खाई गए ने। हुण मैं परसों जाऊं एक दी परसों बारी है 8 पहला कर चुके हैं टोल प्लाजा परसों एक होर बंद होना उधर पटियाले कनी 9वां हो जूगा जी। ये टोल प्लाजे पहला भी बंद हो सकते सी पर बिच हिस्सा सी वीरो वो कहंदे सी साडा 500 दिन वधा दिओ जी टोल प्लाजे वाले कहंदे सी ये साइन करके कहंदे सी 600 दिन ले लो जी 300 दिन साडा 300 थोड़ा ते साडे वाले 300 दा एडवांस दे जो सारे पैसे पहले ही दे जो। लोगों नूं की पता लगता है भी किन्नी तरीक तक है टोल प्लाजा ये टोल प्लाजे ये लुटते हैं ये हटने चाहिए ना चाहिए या नहीं चाहिए। हर रोज किन्ने रुपये जांदियां दे किन्ने रुपये आउंदियां दे लगदे सी 9वां टोल प्लाजा बंद होगा। रेता ये कहें सी रेते चो ऐ नहीं होना
साढ़े पांच रुपये पर फुट वालिया पंजा तो वध खड्डा चलातियां 34 होर तैयार ने अगले हफ्ते च वह भी चला देंगे रे अपनी ट्राली लै जाओ नाल जे बंदे है चार बंदे ले लो नहीं उत्थों भी मिल जाएंगे साढ़े पांच रुपये फुट के हिसाब न ट्राली भर लियो ये पहला पहला भी चल सकदियां सी पर पहला ये रले हुए सी रले हुए सी मिल के खांदे सी हुण इन्हां कोले कोई मुद्दा ही नहीं रहा की कहणगे जी हुण एक साल हो गया कोई एक रुपये का भी इल्जाम लग्या होवे सरकार ते किसी मंत्री ते एक साल हो गया आ खड़ा थोड़े सामने साल दे विच मैं भी चाहुंदा तां कई हजार करोड़ बन जांदे पर नहीं मैं तुहानूं कहना मैं सरकार दे एक पैसे नूं थोड़ा पैसा समझदा मैं कहना कि इहनूं एक आया लोकां वल्लों टैक्स दा इहनूं इहनूं डेढ़ डेढ़ पैसा बना के भेजांगे वापस इहनां कोले स्कूल शानदार बनणगे साडे जवाक पढ़ के डीसी लगणगे जज बनणगे पंजाब दे विच 8 to 10 यूपीएससी कोचिंग सेंटर खोलन जा रहे हैं साडे जवाकां नूं असीं आईएएस आईपीएस की पढ़ाई मुफ्त करावांगे साडे बच्चे अफसर बन एसएसपी बन डीसी लगन साडे बच्चे आ हुण जो नौकरियां मिलन लग गईं बहुत सारे बच्चों के मैनूं फोन आए ने उन्होंने मापियां के फोन आए ने कहिंदे जी पैसे इकट्ठे करी जांदे सी 20 lakh तो हो गया सी 10-11 होर लगना सी इन्ने नूं जवाक नूं नौकरी मिल गई जी असीं तां फिर हुण जांदे नहीं जी जवाक कहिंदा मैं नहीं जांदा मैं तां इत्थे ही रहूँगा 20 lakh रुपया इकट्ठा कर लिया सी बंदे ने 10-11 होर करी जांदा सी कनेडा भेजना सी 30 lakh रुपया 31 lakh रुपया ला के जवाक पर उन्हें पेपर दिते हुए सी उस दा नाम आ गया पेपर दिते हुए उहदा नाम आ गया कोई सिफारिश नहीं चलती वीरो कोई पैसा नहीं किसे नूं देना पैंदा मैं एक दिन 642 नौकरियां दे नियुक्ति पत्र वंडने सी तां मैनूं 2 दिन पहला मेरे एक MLA दा फोन आ गया वह मैनूं कहिंदा जी अपना जमा ही मुंडा खास है जी मैं क्या अच्छा परसों तुसीं जिहड़े नियुक्ति पत्र वंडन लगे हो 642 मैं क्या हाँ उन्हां च आया नहीं कहिंदा उह 3 नंबरां ते रह गया जी मैं क्या अच्छा बंदा जमा ही अपना है जी कहिंदा मैं क्या अच्छा की करिए कहिंदा जी फिर उन्हूं पाओ विच उहदे मैं क्या यार पोस्टां तां 642 ने 643 मैं किवें पा सकदे विच कहिंदा जी जमा ही अपना है जी मैं करिए की कहिंदा किसे एक नूं कढ दो मैं उन्हूं कहा MLA साहब दोबारा जिंदगी च मैनूं इह गल ना कहो पर पहला मेरे एक सवाल का जवाब भी दे जो कि तुहाडा अपना है उह जमा ही अपना है उन्हूं असीं नौकरी दे दीए तो जिन्हों कढ़ांगे वह किहदा फिर वह भी तो अपना ही है यार वह भी किसी माँ का पुत है वह भी किसी भैन का भाई है यार उन्हूं भी परसों नूं मैं कहा उन्हूं भी परसों नूं उहदी माँ खंड वाला दही मूँह च पा के शगन करके भेजूगी जा पुत नौकरी लेके आ भैन का विआह करांगे मैं कहा जिहड़ा अपना है ना जमा ही खास उन्हूं कह दे तैयारी कर ला अगले साल 7 नंबर वध लेके आ जी अगले साल लग जी नौकरी ते पर मैं किसी की हक नहीं मारना मैं किसी का हक नहीं मारना सो इस करके मैं मुंडिया नू कहना नौजवानों पहला भी ये करते होंगे सी पर पहला इन्हों पता नहीं सी वो प्लैनिंग करते नहीं सी वीरो हरेक साल पुलिस दे विच पंजाब पुलिस खड़ी अपनी अपनी धियां पुत ने अपनी पुत भतीजे ने यह पंजाब पुलिस च हरेक साल 2100 to 2200 बंदे की लोड़ पैंदी है 1800 कांस्टेबल ते बाकी सब इंस्पैक्टर ते हैड कांस्टेबल हर साल भर्ती होंदी है रिटायर हो जांदे ने इन्ने क वीरो पहला किवें करदे सी 2 महीने पहला दसदे सी वी असी 2 महीने बाद पुलिस की भर्ती करांगे वह नौजवान मुंडे कहिंदे सी ओह यार पहला दस देंदे यार थोड़ा जिहा तैयारी कर लैंदे शरीर की असी भाई 4 साल का पहले ही दसता जनवरी दे विच नोटिफिकेशन होया करूगा मई जून दे विच लिखती पेपर होगा जुलाई अगस्त दे विच उहदा रिजल्ट आजूगा अक्तूबर दे विच फिजिकल टैसट होगा नवंबर दे विच उहदा रिजल्ट आजूगा नवा साल थोड़ा नौकरी नाल चढ़ूगा दसंबर च नौकरियां मिल जाणगियां सारिआं नूं इस करके हुणे ग्राउंडां जाणा शुरू कर दो हुणे शरीर बनाउणा शुरू कर दो इहदे नाल नशिआं तों भी बचोगे
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਪਊਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ, ਨਾਲੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਹਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ ਜੀ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚੂਗੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ, 2:30 ਵਜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਈਡੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਐਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਾਟਨ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਤਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਤਾ, 4 ਬਟਨ ਦੱਬਤੇ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਬਟਨ ਕਿਉਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 4 ਦੱਬਦਾ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ, ਰੋਜ਼ 4 ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਦੱਬਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋੜਾ ਰੂੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ 2:30 ਅਤੇ 2:30 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਚਲਾ ਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ 2:30 ਵਜੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਊਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 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 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ 60-65 ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 92 ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਤਾਂ ਗਈਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਰੌਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ, ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਾਸ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਨਿਕਲੂ ਹੁਣ ਬਸ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ MLA ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ
शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपां ने रखा जी मोहाली वाले का, जिहड़ा हलवारे बना रहे हैं लुधियाने के नेड़े, उहदा नाम शहीद करतार सिंह सराभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करांगे जी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ। ਲੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ 19 'ਚ, ਲੈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਾਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਬੈਠੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ MP ਕੀ ਹੁੰਦਾ, MP ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MP ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MP ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆਓ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀਰੋ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਲ ਲਏ ਲੀਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਬਸ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਤੀ, ਆਹ ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇਖੀ, ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੂਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਬਸ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਬਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
इनकलाब। थोड़ा जा होर चक दो, आ जलंधर शहर तक तो पहुंचे ना तक। इनकलाब बोले सोनिया। बाकी ग्रांटां दी गल, स्टेडियमां दी गल, क्लबां दी गल, लाइटां दी गल, सीवरेजां दी गल, बिजली दी गल, सड़कां दी गल, जिन्नियां मर्जी थोड़ी अपनी सरकार है, चाबियां थोड़े कोले ने, क्योंकि इलेक्शन कोड लग्या मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, पर मैं इन्ना थानू यकीन दवाना कि किसी पिंड चो कोई लांबा नहीं आऊगा, और जिथे लाइन च खड़ के जिन्हें वोटा पाइया ने उदों मैं ये कहाना है, पांच साल कई बार कहाना है कि वोट पाउण दा नज़ारा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, जिउंदे वसदे रहो। और फिर दोबारा मैं साडे मानयोग चौधरी साहब का, मैं साडे परिवार के सुरेंद्र चौधरी जी का स्वागत करदा, और एक मीडिया के नाल फोटो भी मैं चाहूँगा कर ली। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद, जिउंदे वसदे रहो। एक मिनट लई बलकार सिंह जी धन्यवाद कर देंगे। बलकार सिंह जी धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े हरमन प्यारे मुख्यमंत्री साहब और जिन्ने भी साड़ी संगत आई है आम आदमी पार्टी की वक् वक् जगह तो, पिंडा तो, कस्बे तो, उन्हों का बहुत धन्यवाद। और MLA साहबान जिन्हें साढ़े आए, संगठन के साथी आए, उन्होंने सारिया का बहुत धन्यवाद। और चढ़ती कला दे रहना, एक बार जान लगे बाहव खड़िया करके दसना पे CM साहब के आप सारे नाल है। बोले सोनिया। हक पंजाब के हक साढ़े मान साहब ले रहे हैं, उस तरह ही साढ़े दिल्ली के आवाज आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जोरदार तारियां, एक बार खड़े हो गए। झाड़ू वाला बटन दबा लो पंजाबी, झाड़ू वाला। MLA सरदार बलकार सिंह जी साढ़े CM भगवंत मान जी का स्वागत करेंगे और उन्होंने जी आया कहेंगे। स्टेज ते बराजमान साढ़े पंजाब के बहुत ही हरमन प्यारे मुख्यमंत्री और लोगों की दिलों के धड़कन सरदार भगवंत सिंह मान, साढ़े कैंडीडेट उम्मीदवार श्री शशीर रिंकू जी और सारे साढ़े वख वख हलकों तो आए MLA साहबान और साढ़े संगठन के बहुत ही सीनियर लीडर्स और साढ़े रीढ़ की हड्डी सामने बैठे साढ़े वर्कर्स सीनियर लीडर्स जो साड़ी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। सो अज साडे वास्ते बहुत भागां वाला दिन है कि मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान साहब, मैं आप जी नूं बेनती करनी चाहुंदा कि साढ़े करतारपुर हल्के का बहुत लोगों का चाह सी कि मान साहब मुख्यमंत्री बन तो एक बारी जरूर करतारपुर की धरती ते आण, और तुसी साडा सुपना की पूरा किया, साडे वर्कर का साडे साथियों का असी आप जी नूं जीए आखते हैं, वेलकम करते हैं। और मैं CM साहब बारे थोड़ा दसना चाहना कि पंजाब दे अंदर एको एक CM पैदा होया, असी बहुत लंबे समय तो अपनी जिंदगी दे विच CM देखते रहे हैं। महलां दे विच रहिंदे बड़िया बड़िया कोठियां महल बनाए हुए ये CM साहब, उही CM जो संगरूर की धरती के उत्ते उही पिंड उही जमीन एक सरदार किसान के पुत्र और जिहड़ा आम जनता के भले की गल करते हैं जो जड़ा तक जुड़े हुए हैं। CM साहब थोड़ी इमानदारी थोड़ी मेहनत दे सदका अज दुनिया थोनों प्रणाम करने वास्ते आई है। और जिहड़ा अज साडे मुख्यमंत्री साडे विच आया इन्हों का बहुत धन्यवाद, वेलकम। और शुरू तो इन्होंने जो अपनी सरकार बनी है
जो पिछलियां सरकारां दे विच लास्ट ईयर काम हुंदा सी इन्हां ने शुरू तों कर इन डिटेल कामां वास्ते सीएम साहब आप खुद दसेंगे कि साडी सरकार ने हैल्थ दे उत्ते की काम किया, एजुकेशन दे काम की किया, इंप्लायमेंट दे की काम किया। सीएम साहब डिटेल दे विच तुहानूं बारीफ करनगे और संगतां दा वी मैं धन्नवाद करदा कि तुसीं इन्ने प्यार नाल इन्ने डिसिपलिन नाल तुसीं बैठे हुए झंडे लहरा रहे हो। तो मान साहब सानू भी अज बहुत ज्यादा खुशी है कि तुसीं साडे गरीबां दे वेले आए जो, बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण शशीर रिंकू जी दो मिनट रूबरू होणगे तुहाडे बाद। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब दे दिलां दी धड़कन मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, उन्हां दे नाल कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्म शंकर जिंपा जी, इस हल्के करतारपुर तो MLA मेरे वीर बलकार सिंह जी, MLA जलंधर सेंट्रल रमन अरोड़ा जी, MLA जलंधर वैस्ट शीतल अंगराल जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग रतन सिंह काकड़ कलां जी हलका शाहकोट तो, बहुत ही सत्कारयोग सुरिंदर सिंह सोढ़ी जी हलका कैंट तो, बहुत ही सत्कारयोग हलका फलोर तो प्रेम जी, मंच ते विराजमान साडे बहुत ही सत्कारयोग नकोदर तो MLA भैन जी इंद्रजीत कौर मान जी, उन्हां दे नाल बैठे सारे ही लीडर साहिबान दर्जा बदर्जा सारिआं नूं मेरी प्यार भरी सति श्री अकाल। अज जलंधर दी लोक सभा दी जिमनी चोण दे लई सब तो पहला मैं धन्नवाद करदा साडी पार्टी दे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल साहब दा और भगवंत मान साहब दा, जिन्हां ने बतौर लोक सभा दा उम्मीदवार मैनूं बहुत वड्डा माण है जिहड़ा इस निमाणे जे वर्कर नूं बख्शिया, दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्नवाद। इलैक्शन दा दिन है, हर एक पार्टी ने अपनियां कीतियां होईयां कारगुजारियां दे सिर दे उत्ते तुहाडे सारिआं कोल अपने अपने प्रोग्राम रखणे आ, वोट मंगणी आ। और क्योंकि पिछली विधानसभा दे विच मैं विधानसभा का मैंबर सी और बहुत सारिया जड़ियां गल्लां लोक पक्षी वो पिछली विधानसभा दे विच नहीं हो सकिया। सारना वड्डी गल जड़ी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, जे मैं करा तो 2017 तो लैके 2019 तक पिछले सरकार दे जिहड़े 3 साल सन किसी भी पंजाब दे एक भी स्टूडेंट नूं जिहड़ी है वह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलिया, जिदे करके लखां दी तादाद दे विच जिहड़े पंजाब दे गरीब परिवारां दे जिहड़े बच्चे आ वो पढ़न हत्थों वांझिआं रह गए। होर भी बहुत सारिया इहो जिहीआं गल्लां, मैं किसानी की गल करा, करजे की गल की गई सी कि हर एक का जिहड़ा करजा माफ किया जाएगा, पर किन्ने के लोग है पंजाब दे विच जिन्हां लोगों का पिछली सरकार दे विच करजा माफ होया। और